जैसे कि मैंने आपको बताया सोडियम वर्टिब्रेट्स रीढ़ के हड्डी वाले जानदारों में और उनके खून के प्लाज्मा में अहम रोल अदा करते हैं। जैसे कि उसका एक प्लाज्मा जूस बन जाता है, उनका एक हिस्सा बन जाता है। इसके साथ साथ देखें ये सोडियम क्या किस किरदार के लिए जरूरी है। तो सोडियम जानदारों इंसान जानदारों को जिससे मुख्तलिफ अफाल के लिए जरूरी है, मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं कि जिस उसमें सबसे पहले हाइपरटेंशन के मुतलिक जो अफाल होते हैं वो सोडियम के ही जरिए अफाल सर अंजाम पाते हैं। इसके साथ साथ देखें कि पौधे के जो इस एलिमेंट को कितनी मिकदार में और किस सूरत में हासिल करते हैं। जो पौधे हैं वो एन ए प्लस सोडियम प्लस वन की सूरत में हासिल करते हैं और इसकी मिकदार जो पौधों में होती है वो 0.01 से लेकर 10% तक होती है, कि 0.01 से लेकर 10% तक होती है। तो ये आपका जो है स्टेटमेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ कहते हैं अगर बात की जाए सोडियम के अगर रोजमर्रा जिंदगी में देखें तो ये कहाँ कहाँ भी जरूरी है और हमें काफ़ी चीज़ों का नहीं भी पता। जैसे कि काफ़ी फसलें हैं जिसमें आप कह रहे हैं साग पालक शकरकंदी शलजम वगैरह, उसमें भी सोडियम की काफ़ी हद तक जरूरत होती है। कि सोडियम का जरूरी होना तो ये शक्करकंदी और साग पालक जैसी फसलों में नशोनुमा तक भी हो सकती है। तो इन फसलों की नशोनुमा के लिए सोडियम भी बहुत जरूरी है और सोडियम बहुत ज़्यादा रोल करता है। आगे पोटाशियम थर्ड पोटाशियम में कहें तो पोटाशियम भी कार्बन नील की सूरत में गिलास और नर्म साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है। तो पोटाशियम में हम देखें तो पोटाशियम एलिमेंट का एक और कंपाउंड जो कहलाता है पोटाशियम फॉस्फेट, जो किस काम के लिए काम आता है। जो रोजमर्रा जिंदगी में हम देखें तो डिटर्जेंट सर्फ जिसे कह रहे हैं, डिटर्जेंट के सतही अमल को ज़्यादा करने के लिए, कि मतलब उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ज़्यादा बिल्डअप करने के लिए, तो ये बिल्डर्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे उसकी तमीरी के लिए, तो उसको अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, पायदार बनाने के लिए पोटाशियम का एक और कंपाउंड पोटाशियम फॉस्फेट डिटर्जेंट की सतह के अमल के तौर पर काम करता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे पोटाशियम का अगला क्या है कि अगला इस्तेमाल हम देखें कि रोजमर्रा जिंदगी में तो एलिमेंट इस एलिमेंट को देखा जाए तमाम जानदारों में जिसम के मुख्तलिफ अफाल सर अंजाम देने के लिए लाजमी है। इसमें भी देखें तो ये ना सिर्फ नर्वस सिस्टम बल्कि दिल के अफाल को भी कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम जो हमारे दिमाग से रिलेट होता है कि मैसेज जाना दिमाग तक तो फिर वो रिएक्ट करना, कि वो कोई मैसेज ब्रेन तक गया है हमारे दिमाग तक गया है तो वही हम लोगों ने अमल दरामद करना तो वो हमारे नर्वस सिस्टम में आता है। नर्वस सिस्टम में पोटाशियम भी अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ दिल के अफाल में भी अहम किरदार अदा करता है कि दिल की धड़कन को तेज़ या कम रफ्तार में मतलब इजाफा या कम होना तो वो पोटाशियम के महूमे में मिलता है। नेक्स्ट देखिए हम जिस तरह हम लोगों ने पोटाशियम के पहले सोडियम की बात की थी कि पौधों में सोडियम की कितनी मिकदार होती है और पौधे इसके ज़रिए क्या हासिल करते हैं। तो पौधे भी पोटाशियम के ज़रिए K+1 की सूरत में ही पोटाशियम प्लस वन की सूरत में ही जज्ब करते हैं, कि इतनी ही क्वांटिटी के तहत ये जज्ब करते हैं। और पौधों के अगर वेजिटेटिव टिश्यूज में देखा जाए तो तकरीबन इसकी मिकदार कब से कब तक होती है कि 1 से लेकर 4% तक पोटाशियम होती है। तो 1 से 4 तक जो पोटाशियम होती है वो वेजिटेटिव टिश्यू पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके तहत वो वेजिटेटिव टिश्यूज को नशोनुमा पा सकते हैं और उसके तहत वेजिटेटिव टिश्यूज हैं उन्होंने नशोनुमा पाकर हम लोगों के लिए आसानी पैदा करते हैं वेजिटेटिव फसलों के लिए। तो आज हम लोगों ने पढ़ा गया है जिंदगी के लिए अहम एलिमेंट्स, जिसमें आपको मैंने बताए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के टाइप के एमसीक्यूज भी, और जिसमें आपको ये बता सकते हैं कि इस्तेमाल पोटेशियम के इस्तेमाल बताएँ सोडियम के और इसी तरह आयरन के। थैंक यू सो मच।